सर, एक ये क्वेश्चन था, एक हम एक हमारे सबसे बेहतरीन स्टार प्लेयर की एक जर्नी मैंने आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सब ऑडियंस के लिए। मैं पहले एक हिंट देता हूँ सबको, उन्हें हम एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, जो कि है सुरेंद्र नाड़ा। तो सर वो एक रेसलिंग रेसलिंग के प्लेयर थे, ठीक है ना, वो रेसलर थे। एंड सर आपका ये एक बहुत यूनिक टैलेंट है, आपने पहले से ही हमेशा किया है कि सर आप एक अलग दूसरे स्पोर्ट में जाकर सर आप उन्हें पता नहीं किस वे में आप जज कर लेते हैं, एंड उन्हें आप कबड्डी के अंदर इंक्लूड करके आप उन्हें लाइक एक एक बेटर एग्जांपल दो सर, आपने कई हैंडबॉल प्लेयर्स को सिलेक्ट किया एंड उन्हें आपने नेशनल मेडलिस्ट भी बना दिया कबड्डी में। तो सर सुरेंद्र नाड़ा सर जब आपको सबसे पहले रेसलिंग खेलते हुए दिखे थे, तो सर आपने उनको कैसे रेसलिंग से कबड्डी में स्विच किया सर? सुरेंद्र नाडा बहुत छोटा था जब वो ही वाज इन सिक्स्थ क्लास, छठी क्लास में था, तो यहीं लोकल हमारे लोकल सिटी में प्रैक्टिस करता था रेसलिंग में। हमारे कोच साहब थे रेसलिंग के, तो उन्होंने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बोला ये लड़का जो है ना रेसलिंग करता है लेकिन ये कबड्डी में भी है, इंटरेस्टेड है, ये सर्कल कबड्डी भी खेलता था। मोमेंट इसके ऐसे देखे, ये ऑलराउंडर था, रेसलिंग भी था लेकिन कबड्डी में ज्यादा इंटरेस्ट होने लग गया था इसका। तो हमने इसको ये यहाँ स्टेडियम मारने लग गया सोनीपत के अंदर, सुभाष स्टेडियम में, वहीं हमारी भी पोस्टिंग थी। साई के कोच होने के नाते हम हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट से अटैच थे डेपुटेशन पे, तो वहां सुरेंद्र के अंदर हमने कुछ देखा कि भाई ये टैलेंटेड है, और रेगुलरली जो इसकी प्रैक्टिस थी वो थोड़े से इससे बड़े बच्चे जो एडवांस थे उनमें होने लगी, तो नेचुरली ये जो है ना और एक ऑलराउंडर बनने लग गया, रेडर भी कर, रेडिंग भी खासकर सर्कल टाइप की, और डिफेंस में तो खास ये कॉर्नर पे एक मास्टर होने मगर भाई ये तो कॉर्नर बहुत अच्छा खेलेगा, तो ये बीच में भी खेलता था, और कई इसकी बहुत अच्छी ऑलराउंडर्स की जो है ना, जैसे दूसरे गेम्स बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये उसमें इतना परफेक्ट था, ही विल डू समथिंग, तो इसने प्रूव कर दिया, बहुत जबरदस्त प्रूव कर दिया। दुर्भाग्य एक ये था कि ये एशियन गेम नहीं खेल सके, अदरवाइज ये डिजर्व करता था एशियन गेम खेलना, अच्छे बहुत पहले वर्ल्ड कप तो खेला लेकिन एशियन गेम नहीं खेल सके।